हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ एक अमेजिंग होममेड ट्रीटमेंट शेयर करूंगी, जो आपके एक्ने और पिंपल्स को कुछ ही मिनटों में परमानेंटली रिड्यूस करेगा। ये ट्रीटमेंट बहुत ही इजी और 100% इफेक्टिव है एक्ने और पिंपल्स को कम्प्लीटली रिड्यूस करने के लिए। तो चलिए देखते हैं इस अमेजिंग ट्रीटमेंट को बनाना, पर इसके पहले आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन को क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, जिससे आप मेरे सभी फायदेमंद वीडियोस को सबसे पहले देख पाएंगे। इस ट्रीटमेंट को मैंने दो स्टेप में डिवाइड किया है। फर्स्ट स्टेप, इसके लिए एक बोल में 2 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर लीजिए और फिर इसमें 2 चम्मच पानी ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब एक कॉटन बॉल को इस मिक्सचर में डिप करके अपने एक्ने और पिंपल्स एरिया पर ऐसे अप्लाई कर लीजिए। एप्पल साइडर विनेगर एक बहुत अच्छा नेचुरल रेमेडी है एक्ने और पिंपल्स को क्योर करने के लिए। ये हमारे स्किन को बैक्टीरिया, जम्स और पॉल्यूशन से प्रोटेक्ट करते हैं, जिससे स्किन पर एक्ने और पिंपल्स आते ही नहीं है। इसे बिल्कुल भी रब मत कीजिए, बस इसी तरह हल्के से अप्लाई कर लीजिए और अप्लाई करके 10 मिनट के लिए रहने दीजिए और 10 मिनट बाद नॉर्मल पानी से धो लीजिए। सेकेंड स्टेप है एक्ने पिंपल्स रिड्यूसिंग मास्क। इसके लिए सबसे पहले 4 से 5 तुलसी के पत्ते और 4 से 5 नीम के पत्ते लीजिए और इसे अच्छे से वॉश करके एक ग्राइंडर में ले लीजिए। अब इसमें 2 से 3 चम्मच रोज वाटर ऐड करके इसका पेस्ट बना लीजिए। तो नीम और तुलसी के पेस्ट बिल्कुल भी रेडी है। अब इस पेस्ट में 1 टेबलस्पून सैंडलवुड पाउडर और 1 टेबलस्पून एलोवेरा जेल ऐड कीजिए और अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब इस मास्क को अपने एक्ने और पिंपल्स पर अच्छे से अप्लाई कर लीजिए। तुलसी में एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल प्रॉपर्टीज होती है, जो एक्ने और पिंपल्स को अच्छे से ट्रीट करते हैं। नीम के पत्ते में भी एंटीऑक्सीडेंट, एंटीफंगल और एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज पाए जाते हैं, जो एक्ने और पिंपल्स को प्रिवेंट करने में मदद करते हैं। साथ ही सैंडलवुड पाउडर भी एक्ने और पिंपल्स को दूर करने के लिए बहुत इफेक्टिव होते हैं। ये मास्क आपके स्किन के ऑयल प्रोडक्शन को रिड्यूस करके स्किन पर एक्ने और पिंपल्स होने नहीं देते हैं। अप्लाई करके इसे 20 मिनट तक रहने दीजिए और 20 मिनट बाद ठंडे पानी से धो लीजिए और फिर अपने स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज कर लीजिए। अच्छे रिजल्ट पाने के लिए आप इस ट्रीटमेंट को वीक में 3 से 4 बार जरूर कीजिए। इस ट्रीटमेंट से एक्ने पिंपल्स रिड्यूस होने के साथ साथ आपके स्किन टोन भी फेयर, ब्राइट और ग्लोइंग भी बनेंगे। तो फ्रेंड्स, ये थे मेरे आज के वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और मेरे और भी अच्छे अच्छे वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।